हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा लॉन्ग जैकेट, जिसको हम एयरलाइन सेब में रखेंगे नीचे से। और ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसका नाप बता देता हूँ। इस जैकेट की जो लंबाई रखेंगे दोस्तों, हम रखेंगे 46 इंच 46। इसकी जो ब्रेस्ट है दोस्तों, ये हाफ में हमने नाप लिया है, तैयार नाप होता है, जो कि आपका बॉडी नाप लेने के बाद लूजिंग डाली जाती है, ये वो नाप होता है। तो दोस्तों, इसका नाप है 18 इंच। कमर दोस्तों 15.5 इंच, इसमें हिप नहीं होती, ठीक है। इसमें तीरा है दोस्तों आपका 14 इंच होगा। स्लिप बाजू 18 इंच की लंबाई, 9 इंच की गोलाई। इसका जो नेक है दोस्तों, कॉलर में होगा। तो ये जैकेट किस तरीके से कटेगी तो मैं आपको बताता हूँ, और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस कपड़े को हमने अच्छी तरह प्रेस कर रखा है। ये आपकी इसकी लंबाई है, पहले आपको लंबाई दिखाता हूँ दोस्तों। ये 46 हमें बनाना है, ठीक है। और लंबाई 50 के आसपास है। बाकी जो है फालतू कपड़ा जो भी है, कान है, ये सब हम सेट कर देंगे। इसे किस तरीके से कटिंग करना है तो सबसे पहले आपको फूल देखना होता है कि फूल कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, फूल जो हमारे हैं सारे के सारे ऊपर की तरफ हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे इस तरीके से बिल्कुल किनारे से किनारी मिलाने के बाद आप इस कपड़े को डबल कर लें और अच्छी तरह क्रीज बना लें, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये देखिए, हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से कपड़े को बिछा लिया है और किनारे वाला जो हिस्सा है हमने दूसरी तरफ कर दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखिए, हम अपना सीधा फुट्टा लेंगे और यहाँ नीचे की तरफ में आप इसे इस तरीके से निशान लगा लें। तो ये देखिए दोस्तों, आपका ये निशान लग चुका है। अब यहाँ से आपको लेनी है, 46 इंच की लेंथ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 46.5 इंच आपको इंची टेप ऐसे लेना है, आधा इंच आपकी कंधी में जाएगा, और बिल्कुल सीधा इंची टेप रख के आपको यहाँ पर जो है निशान लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा निशान होगा वो दोस्तों हम 7.5 में लगाएंगे इस नाप में, क्योंकि हमारा 18 इंच का नाप है। और उसके बाद दोस्तों जो तीसरा नाप होगा हमारा कमर का, वो हम लगाएंगे 14.5 इंच पे। दोस्तों ये नाप का निशान लगाने के बाद आप यहाँ इसे सीधे फुट्टे से इन निशानों को सीधा कर लें। तो दोस्तों ये दोनों निशान सीधे करने के बाद ऊपर से हमने कपड़ा कटिंग कर लिया है। कपड़ा कटिंग करने का दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपने स्केल को सीधे वाले को क्रीज से ऐसे मिलाएं और उसके बाद इस तरीके से चौक से निशान लगा दें नीचे तक। देखिए हमने नीचे तक निशान लगा रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी फिटिंग के निशान लगाने हैं। फिटिंग के निशान आपके दोस्तों यहाँ से लगेंगे, जो हमने निशान लगाया है। तो यहाँ पे आपकी फिटिंग का निशान, आपकी ब्रेस्ट है 18, तो उसका आधा 9, कमर है 15.5, उसका आधा 7.25। दोस्तों ये निशान लगाने के बाद आप सेफ फट्टी की मदद से इसको देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। दोस्तों निशान लगाने के बाद यहाँ से आपको अपना घेरा लेना है। तो घेरा हम रखेंगे दोस्तों इसमें 33 इंच। तो देखिए यहाँ पे 16.5 आपको निशान लगा लेना है। दोस्तों निशान लगाने के बाद आपको सेफ फट्टी ऐसे रखनी है कमर के पास से, और नीचे की निशान की तरफ में इसको इस तरीके से ले जानी है। मेरी वाली सेफट्टी थोड़ी कम है, मैं आपको दूसरी वाली सेफट्टी से दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दूसरी सेफट्टी से आप देखेंगे लेंथ नीचे तक आ रही है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे निशान लगा लें। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा ये पूरा निशान अच्छी तरह लग चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर अपने तीरे का निशान लगाएंगे। दोस्तों आपका तीरा जो था इसमें वो था 14 इंच, तो 14 है, तो यहाँ पे दोस्तों हम देखिए 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ का ब्रॉड हमारा जो हम रखेंगे 3 इंच रखेंगे निशान से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ में यहाँ पे हम 7 इंच रखेंगे, जितना हमारा तीरा होगा उतना रखेंगे। यहाँ पे हम तीरे से एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ पे हम जितना तीरा होगा उतना फिक्स रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम रखेंगे 6 इंच या 7.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को हम दोस्तों सीधे स्केल से सीधा करेंगे। और यहाँ पे आधा इंच कंधी डाउन करेंगे अपने इस निशान से, और इन दोनों निशानों को हम अच्छी तरह सेव दे देंगे। दोस्तों सेव देने के बाद हम इसे कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए देखिए, सबसे पहले सीधे निशान जो हमने लगा रखा था उस पर आप इसे कटिंग करें, फिर इसे डाउन पे कटिंग करेंगे। कटिंग करने का दोस्तों आप इसे देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर इसे कटिंग करेंगे बैक वाले हिस्से पे,
और उसके बाद दोस्तों आपको जितना कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए आप उतना उतना इसे कटिंग कर लें नीचे तक। तो देखिए दोस्तों कटिंग हो गई, ये वाला जो कपड़ा है आपका ये बच गया है, इसे हम अभी अलग रख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल कटिंग हो चुका है, अब नीचे वाले हिस्से की तरफ आते हैं। तो नीचे वाले हिस्से की तरफ देखिए दोस्तों, ये जो निशान है हमारे, इस निशान को हम इस तरीके से हल्की हल्की राउंड दे देंगे। राउंड देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे और कटिंग को भी हल्की हल्की राउंड ले जाएंगे निशान के हिसाब से। आप गोलाई से अच्छी तरीके से देख लें, जब गोलाई बिल्कुल सही हो तो ये आप इसे हटा देंगे। उसका दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है आप इसे एक यहाँ कट लगा लें, एक कट आपका यहाँ पे लगेगा, ये आपका ब्रॉड का कट लगेगा, ये वाला आपका फिटिंग का कट, ये आपकी कमर का कट। दोस्तों ये कट लगाने के बाद आप इसे हटा लें और जैसे हमने इस पल्ले को बिछाया था बिल्कुल सेम दूसरे वाले पल्ले को जो हमने काटा है उसे भी बिछा लें। तो देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छी तरीके से बिछा लिया जैसे हमने पहले वाले पल्ले को बिछाया था। अब इसे हम उठाएंगे और इसे उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आप इसे बिछाएं, किस तरीके से बिछाएंगे, ये जो आपका निशान है और जो हमने कट लगाया है ये कट से आपकी क्रीज मिलके आनी चाहिए। तो देखिए आप इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से आपका इतना मुड़ेगा तो आप ये बिल्कुल निशान से पहले अच्छी तरीके से इसे बिछा लें। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छी तरीके से इसकी बिल्कुल क्रीज मिला ली है इसके निशान से। अब दोस्तों इसे हम बिल्कुल सेम नीचे तक कटिंग करेंगे जैसे हमारा पहले वाला पल्ला कटा था वैसे ही। तो ये देखिए दोस्तों ये पल्ला हमारा कट चुका है बैक वाला भी, इसे हम हटा देते हैं। हटाने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे भी एक कट लगा लें और कट लगाने का ये जो निशान था हमारा पहले वाला आप इसे फ्रंट वाले पल्ले को भी इस तरीके से कटिंग करेंगे, जो इसे हम कहते हैं फ्रंट वाला निशान। तो दोस्तों ये आपका फ्रंट हमने छांट दिया, फ्रंट छांटने के बाद आपको क्या करना है, आप इसके यहाँ पे देखिए सेंटर में इस तरीके से कैंची रखें और नीचे तक आप इसे कटिंग कर लें। तो ये देखिए दोस्तों ये आपकी कटिंग हो चुकी है, कटिंग होने के बाद दोस्तों आप इसे हटा दें। अब हम इसकी निकालेंगे बाजू। तो दोस्तों आप देखें 50 इंच से ज़्यादा हमारा इसमें कपड़ा था, ठीक है। अब जो इस साइज़ में ये हमारा बिल्कुल हल्का साइज़ होता है, कोई ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं होता। तो जो जैकेट बनाते हैं ये सरक बनाने की वो कहते हैं कि हम सरक बनाएंगे, तो बाजू निकालने में बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे इस तरीके से निकालेंगे तो आपका यहाँ पर जोड़ नहीं बैठेगा और आपकी बाजू सही नहीं बैठेगी, क्योंकि आपका ये वाला पल्ला तो चलो एक बार को ज़्यादा है लेकिन जिसमें हमने मोड़ने के लिए मार्जिन लिया था उसमें आप देखेंगे तो उसमें ये वाला हमारा हिस्सा कम बैठा है। आप देखेंगे वाला हिस्सा मोड़ेंगे तो ये कम बैठा है। तो आप क्या करेंगे इसमें से, पहले तो आप कोशिश करें कि जैसे हमारा इसमें मुड्ढा बैठेगा 7.5 इंच, तो आप इसे बाजू निकालने के लिए अगर बाजू वाला बना रहे हैं पहले तो आप कट स्लिप भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है क्योंकि जैकेट ज़्यादातर कट स्लिप भी बनती है। आप पहले इसे इस तरीके से रखेंगे, रखने के बाद दोस्तों आप इसे अपना मुड्ढा नापेंगे। तो हमारा मुड्ढा देखिए 7.5 इंच के बाद, अगर आपका बिल्कुल ओके बाजू निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से रखने के बाद आप बाजू को कटिंग कर लें और सेंटर में आप डोरी वाली पाइपिंग लगा दें गोल्डन कलर की, जिससे डिज़ाइन का डिज़ाइन हो जाएगा और आपकी बाजू भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो दोस्तों इसमें हमारी बाजू आराम से निकल जाएगी, तो हम इसकी बाजू निकालेंगे। बाजू किस तरीके से निकालनी है, जो हमारा बैक वाला पल्ला था दोस्तों उसे इस तरीके से लेके पहले हम सेंटर में क्रीज बना लेंगे। दोस्तों क्रीज बनाने के बाद आप पहले एक निशान लगा लें, इसकी लंबाई दोस्तों हमारी बाजू की थी 18 इंच, तो आप यहाँ से देखिए पहले 3.5 इंच पर निशान लगा लें, फिर 18 लंबाई थी तो आप यहाँ पे 18.5 पर निशान लगाएं। दोस्तों 18.5 पर निशान लगाने के बाद आप इसे देखिए इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे, दूसरा निशान दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये निशान के बाद हम यहाँ पे रखेंगे अपना आर्मोल। तो आर्मोल हमारा दोस्तों 36 इंच की ब्रेस्ट है, तो उसमें हमारा 7.5 इंच के आसपास आर्मोल बैठेगा, तो 7.5 पे हम निशान लगाएंगे। इसकी मोरी दोस्तों थी हमारी 9 इंच की, तो हम यहाँ पे 4.5 पे निशान लगाएंगे। फिर आप इसे सेफ फट्टी को इस तरीके से लें और इस निशान से नीचे वाले निशान तक मिला के ये देखिए निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद दोस्तों आप इसे कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से हम कटिंग करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम नीचे से कटिंग करेंगे इसे देखिए। फिर आप इसे जितना मार्जिन देना चाहते हैं उस हिसाब से कटिंग कर लें। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा एक हिस्सा कट चुका है, अब हमें काटने इसके जोड़। तो जोड़ काटने के लिए जो हमारा दूसरा कपड़ा बचा था आप उसको यूज़ में लेंगे, और लाने के बाद दोस्तों इसे देखिए ऐसे रखें
और रखने का दोस्तों आप इसे इस तरीके से पकड़ लें। अगर मान लीजिए आपका कॉटन का कपड़ा नहीं है, कोई हल्का कपड़ा है, तो आप एक कट यहाँ पे लगा लें, दूसरा कट आप यहाँ पे लगा लें और इन दोनों कट को इस तरीके से पकड़ लें, जिससे आपका कपड़ा बिल्कुल एक बराबर बैठा रहेगा। फिर आप इसे इस तरीके से लेके, ये देखिए किनारे से किनारे इस तरीके से मिलानी है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं मिलानी, कई लोग ऐसे मिलाते हैं कम हो जाएगा, आपको किनारे से किनारे इस तरीके से मिलानी है ऊपर तक। उसके बाद दोस्तों आप इसे बिल्कुल बराबर कटिंग कर देंगे। फिर एक कट आपका यहाँ आएगा दोस्तों, दूसरा कट आपका यहाँ पर आएगा, उसके बाद दोस्तों आप इसको यहाँ से नीचे हटा दें और जो आपका ये वाला जोड़ वाला हिस्सा बैक में जाता है हमेशा, ये ध्यान रखें। फिर आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका फ्रंट वाला हिस्सा। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पे कटिंग करके दिखा दी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको उसको बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसे बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम अपनी बाजू को हटा देते हैं यहाँ से, ये सबसे एंड में बनाएंगे इसको, हम इस तरीके से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारा जो बैक वाला पल्ला है इसको भी हम हटा देते हैं। हटाने का दोस्तों ये देखिए हमारा ये फ्रंट वाला पल्ला है जो निशान वाला है, तो इस पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, और इसे इस तरीके से निशान लगा लेने हैं चौक से, ऐसे करके उंगली को आप निशान पे ऐसे रखें, इसे मोड़ें और इस तरीके से निशान लगा लें, जिससे कि दूसरी तरफ भी आपके बिल्कुल सेम निशान आ जाएं। तो दोस्तों निशान लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक पल्ले को हटा देंगे और जो हमने निशान लगा रखा था, ये देखिए ये जो निशान लगाया हुआ है वो कटर लगा हुआ है, आपको इस तरीके से ऐसे लेके इसे पहले ऐसे मोड़ना है, फिर इस एक बार ऐसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद दोस्तों आप इस पर लगाएंगे सिलाई, और दोस्तों नीचे तक आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोस्तों हमने ये वाले हिस्से को, दोनों हिस्से को हमने एक बार मोड़ लिया। अब मोड़ने के बाद आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इस पल्ले को इस तरीके से बराबर से मिला लेंगे, देखिए ऊपर से जब आप बिल्कुल एकदम बराबर इसे मिला लें, फिर मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आप इसे यहाँ पर ऐसे रखें चिटे, और 3 इंच के आसपास आपको निशान लगाना है, और निशान लगा के दोस्तों हल्का सा राउंड में, पूरा राउंड नहीं करना, हल्का सा राउंड में आप इसे कटिंग कर लें। तो दोस्तों ये कटिंग कर लेंगे, कटिंग करने के बाद आप इसे हटा दें। फिर आप लेंगे दोस्तों अपना बैक वाला पल्ला, तो बैक वाले पल्ले में आपको क्या करना है, ये जो बैक वाला हिस्सा है यहाँ पे तकरीबन आपको 1.5 इंच के आसपास निशान लगाना है, और इसको भी आप कुटके तक जो है, जो आप पहला कट लगाए, आप इस कट तक गोलाई में कटिंग कर लें। तो ये देखिए दोस्तों आपकी कटिंग हो चुकी है। फिर आप अपने बैक पल्ले को इस तरीके से ओपन करेंगे, वो कंधे की तरफ से ऐसे रखेंगे, ऐसे रखने का दोस्तों आप अपना फ्रंट का एक पल्ला लें और इस तरीके से देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, साइड वाला हिस्सा इधर रखने के बाद आपको यहाँ से ऐसे मिलाना है इसको, और मिलाने का दोस्तों आप इसे जोड़ेंगे कंधे को, एक सिलाई ये लगानी है, उसके बाद दोस्तों आप इसे दूसरे वाले हिस्से को इस तरीके से रखना है और इसे भी जोड़ना है। दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पर एक सिलाई और लगाएंगे और इसमें फिर पक्का करते हुए जाएंगे। दोस्तों उसके बाद देखिए जो हल्का हल्का सा ये गैपिंग है, आप इसे इस तरीके से देखिए कैंची से सेट कर देंगे, यहाँ से भी और इधर से भी, और धागे वगैरह काट लें फिनिशिंग के लिए। दोस्तों ये आपका यहाँ पे कंधी जुड़ चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए दोस्तों आप इसे इस तरीके से मिलाएं बिल्कुल बराबर, और जो हमने निशान लगाए थे आप इसे पक्का करके बिल्कुल निशान पे इसे जोड़ लें नीचे तक, जैसे ऐसे निशान है, क्योंकि ये निशान थोड़े हल्के हैं तो आपको नज़र नहीं आते होंगे, ये देखिए दोस्तों मैंने हल्के हल्के डार्क कर दिए, ठीक है। आप इसी निशान में बिल्कुल दोस्तों जो हमने लगाए थे आप इसे बिल्कुल नीचे तक जोड़ लें। तो ये देखिए दोस्तों ये एक सिलाई आपने लगा ली, उसके बाद एक दूसरी सिलाई आप लगा लें, आपको जैसे पसंद आए, चाहे इसी के ऊपर लगा लें चाहे एक सिलाई एक्स्ट्रा छोड़ के लगा लें। तो देखिए दोस्तों ये हमने दो सिलाई यहाँ पे लगा ली, उसके बाद आपको क्या करना है, इधर वाला जो ओपन वाला हिस्सा है आप इसे भी आर्मोल से ऐसे मिलाएं जैसे हमने पहले वाले हिस्से को मिलाया था, लेकिन इसकी दोस्तों जो सिलाई लगेगी वो आप इसे बिल्कुल नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये देखिए आप निशान बिल्कुल चौक के ऊपर आप सिलाई लगाते हुए
खत्म करेंगे और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी ऐसे ही सिलाई लगा लें। तो देखिए दोस्तों, हमने साइड में सिलाई लगाने के बाद ओवरलॉक भी कर लिए कंधे में और साइड में। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों हम इसे ऐसे पकड़ेंगे नीचे वाले हिस्से की तरफ में। आपको क्या करना होगा, इधर जितना छोटा फोल्ड करना है उसे इस तरीके से मोड़ेंगे एक बार पहले और इसे सिलाई लगाएं, क्योंकि ज़्यादा छोटा मोड़ नहीं सकते इसे हम। तो दोस्तों इसे इस तरीके से रखते हुए आप पहले इस पर एक सिलाई लगा लें फिनिशिंग से एक बराबर। पीछे हल्की उंगली रखते जाएं दोस्तों, और जो मार्जिन होगा ये बैक साइड में होगा आपका। इसी तरीके से दोस्तों आप पूरे घेरे को फोल्ड कर लें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब एक बार फोल्ड कर लेंगे तो सबसे पहले आप इसे देखिए ऐसे मिलाएंगे ऊपर से नीचे तक लेके आएंगे। और दोस्तों नीचे तक लाने के बाद आप यहाँ पे आप निशान लगा लें जितना जितना आपको फोल्ड करना है एक बराबर से। तो ये हमने निशान लगा लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से आप इसे फोल्ड करें निशान के बराबर और इसे पक्का करते हुए बिल्कुल एक बराबर इसे मोड़ दें और हल्की हल्की उंगली रख लें पीछे, जिससे ये आपकी जो है गोलाई एकदम बढ़िया तरीके से बैठेगी। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से आप पूरी गोलाई को भी मोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, गोलाई वाले हिस्से पे उंगली रखने से क्या होता है कि बहुत ही जो है फिनिशिंग के साथ ही मुड़ जाता है। और मैंने आपको चौड़ा मोड़ के इसलिए दिखाया कि चौड़ा भी देखिए एक गोलाई में मुड़ा हुआ है। वैसे तो ये बारीक मुड़ता है, ठीक है, लेकिन मैंने हल्का आधा इंच का मोड़ के दिखाया आपको। तो दोस्तों ये देखिए अभी तक का हमारा जो काम इसमें पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी बाजू थी दोस्तों हम अपनी बाजू बनाएंगे। तो बाजू के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए अपनी बाजू को लेंगे और इसे इस तरीके से ओपन करेंगे। ये ओपन करिए हमने, फिर हम जोड़ लेंगे। और जोड़ हमेशा लगाने का तरीका यही होता है, पहले आप इसे ऐसे रखें और इसे एक पल्ले को उठा के दूसरे पल्ले को आप इसे इस तरीके से रखेंगे और नीचे तक अच्छी तरह देखेंगे एक बराबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन सही निकलना चाहिए, ऐसा ना हो कि इतना मार्जिन कम हो या इतना नीचे लटकता हो तो ये ख़राब लगेगा और फिनिशिंग नहीं बैठेगी। तो आप इसे एक बराबर रखने के बाद अब इस पर आप सिलाई लगाएंगे बारीक करके। तो दोस्तों ये देखिए एक सिलाई आपके लग गई, ये आपकी बाजू यहाँ बन चुकी। उसके बाद दूसरा पल्ला जो था दोस्तों वो आपका इस तरीके से आएगा, और इस तरीके से आने के बाद आप इसे भी जोड़ लें सेम। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप इसे ऐसे करें और यहाँ पर एक हल्का हल्का नाखून लगा दें। फिर उसके बाद दोस्तों सीधी तरफ भी एक नाखून लगा दें, जिससे आपको प्रेस नहीं करनी पड़ेगी और मशीन पे ही आपका काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। फिर दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ तुरपाई के लिए फोल्ड कर लें। दोस्तों बिल्कुल सेम नाखून दूसरी बाजू पे भी सेम इसी तरीके से आप लगा लें। तो देखिए दोस्तों, हमने दूसरी बाजू को भी इसी तरीके से तुरपाई वाला फोल्ड कर लिया है। फिर आप इसे ऐसे मिलाएं। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जितनी मोरी थी, जैसे हमारी 9 इंच मोरी थी, यहाँ पे हम 4.5 रखेंगे उसका आधा। और 4.5 रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम पक्का करके बिल्कुल निशान पे दोस्तों नीचे तक हम कुटके पे मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों बाजू को बिल्कुल सेम सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सीधी करेंगे बाजू को और चढ़ाएंगे बाजू को। तो देखिए दोस्तों, आप इसे इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद दोस्तों जैसे कि हम अपनी हर बाजू को चढ़ाते हैं, तो ये वाला हिस्सा देखिए जो हमारा बैक वाला हिस्सा है, ये हमारा जोड़ भी आपको नज़र आता होगा, ये हमारा जब आपका फ्रंट ये वाला हिस्सा होगा इसमें जुड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जोड़ने के लिए आप पहले इसे इस तरीके से करके एक कट लगा लें, ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा होता है। अब इसे दोस्तों आप क्या करेंगे, इस कट को अपनी बाजू से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे चढ़ाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बाजू चढ़ चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू चढ़ाएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका कॉलर लगाना। तो दोस्तों ये देखिए, हमने अपना कॉलर कटिंग कर लिया है। दोस्तों हमारा जो कॉलर बैठ रहा था, ये कॉलर बैठ रहा था हमारा 16 इंच का। तो 16 इंच का दोस्तों हमने कॉलर कटिंग कर लिया बिल्कुल सीधा। उसके बाद दोस्तों हम इसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप इसे इस तरफ कच्चा कर लें। कच्चा करने का दोस्तों इतना कपड़ा आप इसे कटिंग कर लेंगे, फालतू जो कपड़ा है। और दोस्तों अगर आपको ये कॉलर
कटिंग करना नहीं आता या आला नापने के बाद कॉलर किस तरीके से नापा जाता है, अगर आपको ये नहीं आता तो दोस्तों हमारे आई लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं और उसमें अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से कॉलर का आला नापने के बाद कॉलर कटिंग करा जाए। अब दोस्तों आप देखिए, कटिंग करने के बाद सबसे पहले ये सिलाई लगाएंगे। नीचे कपड़ा कटिंग करने के बाद आप इसे ऐसे फोल्ड करें और इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो भी फालतू कपड़ा इसे कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद दोस्तों आप ये कपड़ा जो आपने कटिंग करा था उसे नीचे रख लें और उसे इस तरीके से रखने के बाद आप इस पर सिलाई चलाएंगे बिल्कुल सीधी इस तरीके से। देखिए तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके यहाँ पे कॉलर पे सिलाई लगाने के लिए आपका जम चुका है। फिर आप यहाँ पर इसे इतना इतना हिस्से में गोलाई में पूरे कटिंग कर लें कॉलर को। और दोस्तों नीचे से आपको इतना कटिंग करना है जितना आप मार्जिन लेंगे कॉलर चढ़ाने में। फिर आप इसे इस तरीके से मिलाने के बाद आप यहाँ पे एक कट लगा लें सेंटर में। दोस्तों एक कट लगने के बाद अब आप किस तरीके से कॉलर चढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम अपने जैकेट को लेंगे और इसे देखिए दोस्तों, ये वाला हिस्सा आपका सीधा है। आप इसे ऐसे रखेंगे उल्टी तरफ से, ठीक है, उल्टी तरफ से ही आपका कॉलर ऐसे आएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है देखिए, आप ऐसे करके इस वाले कपड़े को ऐसे निकालेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये आप यहाँ पर ऐसे रखेंगे थोड़ा बाहर निकालने के बाद जितना आपने मार्जिन छोड़ा था। फिर आप इसे हल्की सिलाई चला के पक्का करें। पक्का करने के बाद दोस्तों आप इसे बिल्कुल आराम से, जो आपने ये कट लगाया है आपके कमीज वाले कट से मिल जाना चाहिए, ठीक है, इसी तरीके से आप इसे कॉलर को चढ़ाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका यहाँ पे कट मिल चुका है। क्या होता है दोस्तों, ये कॉलर हमारा छोटा होता है, कपड़ा कभी कभी फलक जाता है। ये देखेंगे आप, इसकी तार काफ़ी ज़्यादा फलक रही है और हमारा आला ये बढ़ रहा है, इसलिए आपको बड़े हिसाब से कट मिलाना पड़ेगा। इसलिए दोनों जगह कट ज़रूर लगाएं। तो देखिए हमारा हाफ तक तो पूरा हो गया। अब इसी तरीके से दोस्तों हमें दूसरा वाला हिस्सा भी पूरा करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी हमने थोड़ा कपड़ा बाहर निकाला है। फिर आपको क्या करना है, आप इसे देखिए कॉलर को इस तरीके से रखें और यहाँ से सिलाई अब आप लगाएंगे, जहाँ से आपकी सिलाई है इस जगह से देखिए आप सिलाई लगाएं। यहाँ तक आपकी सिलाई लगी थी, थोड़ी सी पीछे लेने के बाद आप इस कॉलर को गोलाई में फिनिशिंग से सिलाई लगा लें। और ये सिलाई आपके बुकरम पे नहीं चढ़नी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप पक्का करके इसे हटा दें। तो ये देखिए दोस्तों, आप इसे जब ऐसे पलटेंगे तो फिनिशिंग से जो है कॉलर आपका पलट जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ वाला हिस्सा भी सिलाई लगा लें। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, आप इसे अच्छी तरह फिनिशिंग में बिठाएं कॉलर को, और फिनिशिंग से बिठाने के बाद दोस्तों अब इसे आप सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, आप इस पर पहले हल्की सिलाई लगाएं और इसे दोस्तों फिनिशिंग से बिठाते हुए आप इस पर पूरे कॉलर पर सिलाई लगा लें। तो देखिए दोस्तों, ये आपका इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका ये कॉलर अच्छी तरीके से चढ़ जाता है। दोस्तों चढ़ने के बाद जो आपकी सिलाई लगी है, आप इस सिलाई को खोल लेंगे। खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 3 इंच का आपने आला कटिंग करा था और सवा इंच, देखिए 3 इंच का आपने आला कटिंग करा और आपका एक पैर जो है उसके अंदर गया है कॉलर दबाने में। तो आप यहाँ पर देखिए तकरीबन 14 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी 14 इंच पे एक निशान लगा लें। ये 3 इंच छोड़ के निशान लगाना है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रहे। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये कॉलर के बाद ये देखिए दोस्तों, ये आपका 3 इंच ऐसे रख लें, ठीक है, जहाँ से कॉलर चढ़ा है, और नीचे यहाँ पर लाने के बाद 14 इंच पर निशान लगा लें। तो दोस्तों हमने दोनों जगह 14 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारी जॉकेट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जैकेट बन चुकी है, लॉन्ग जैकेट। ए लाइन शेप दे रखी है हमने नीचे गोलाई में से। अब दोस्तों ये यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं, यहाँ पे आप चाहे तो सेम कलर की या फिर गोल्डन एक रेडीमेड डोरी आती है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद जब इसे बांधेंगे आप तो बहुत अच्छी गेटअप आएगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए सिंपल सिलाई से मोड़ के दिखाया, ये और घेरा और बाजू, तीनों जगह दोस्तों हमने सिंपल सिलाई लगाई है। लेकिन अगर आप इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छी गेटअप आएगी, एक अच्छी फिनिशिंग आएगी।
पाइपिंग हमने आपको इसलिए लगा के नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।